हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना खुद का ब्लॉग वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन यदि आप कोई पुरानी वीडियो देखेंगे, मेरी भी कुछ पुरानी वीडियो है ब्लॉग के ऊपर, तो यदि आप उस वीडियो को देखेंगे तो वहां पे कुछ चेंजेस आपको मिलेंगे। तो 2020 में जो नया ट्रिक है वो यहां पे मैं आज बताने वाला हूं कि आप अपना खुद का ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और कैसे कस्टमाइज करके अच्छी खासी रैंकिंग ला सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपसे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखते रहिए। तो हाँ जी, आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना खुद का ब्लॉग वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उससे भी पहले कुछ ऐसी चीजें जो आपके साथ डिस्कस करना जरूरी है, आपको जानना चाहिए। तो यार, ब्लॉग और वेबसाइट में क्या अंतर होता है? देखो, ब्लॉग एक तरीके का वेबसाइट ही होता है, लेकिन वेबसाइट में कई सारी ऐसी चीजें होती है जिसमें आप अपने तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं कि भैया आपको कहां पे क्या चीजें दिखानी है और किस तरीके से पोस्ट करना है। लेकिन यदि आप ब्लॉग के अंदर जाएं तो ब्लॉग में हर बार आपको एक अलग अलग पोस्ट करना होता है। दूसरी चीज, सबसे अच्छी बात मुझे ब्लॉग में देखो ये लगी कि यहां तो आपको ना तो डोमेन नेम के पैसे देने हैं, ना तो आपको होस्टिंग का पैसा देना है, ना आपको कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत है। लेकिन यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनाने जाएंगे तो वहां पे आपको देखो डोमेन नेम के पैसे देने होंगे, होस्टिंग का पैसा देना होगा और आपको कोडिंग भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए। वैसे यदि आप वर्डप्रेस के अंदर जाते हैं तो वहां पे आपको कोडिंग की जरूरत नहीं होती, लेकिन वर्डप्रेस में भी कुछ लिमिटेड ही आप कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपने प्रोफेशनल वेबसाइट के अंदर जाएंगे, जैसे बहुत सारे अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बनाते हैं, तो उस तरीके से यदि आप कोई शॉपिंग वेबसाइट या अफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना रहे हैं, कुछ अपना प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं, वहां पे आपको कोडिंग की जरूरत पड़ेगी, जैसे HTML, CSS, JavaScript, PHP, MySQL, AJAX और बहुत सारी तरीके की कोडिंग यहां पे आपको सीखनी पड़ती है। तो यदि आप इस तरीके की कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में मैं और वीडियो बना दूंगा। लेकिन यहां पे फिलहाल आज के स्टूडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपना खुद का ब्लॉग वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। और एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देना चाहता हूं कि 2016 में मैंने जब वेबसाइट स्टार्ट करी थी तो वहां पे भी मैं पहले ब्लॉग ही स्टार्ट किया था और वहां पे मैंने काम करना स्टार्ट किया, कुछ चीजें शेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि 2016 में मैंने यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया था। तो वहां पे मैं बहुत सारी चीजें शेयर करना स्टार्ट किया और वहां ब्लॉग से अपना कुछ पैसा वैसा कमाना शुरू कर दिया। जब वहां से कुछ पैसे आए, इसके बाद मैं अपना जो ब्लॉग था उसे प्रोफेशनल वेबसाइट में स्विच कर दिया। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप अपना खुद का ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं और यहां पे बहुत सारी कस्टमाइजेशन मैं आपको बताऊंगा जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद आप सारी चीजें समझ जाएंगे कि भैया ब्लॉग आपको कैसे क्रिएट करना है और कैसे आपको पोस्ट लिखना है, कैसे कस्टमाइजेशन करना है, कैसे सेटिंग करना है। ये सारी चीजें आपको डिटेल के साथ यहां पे मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, इसके लिए चलना पड़ेगा हमको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, यहां पे मैं आ चुका हूं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और चलिए हम बात करते हैं कि कैसे आप अपना खुद का ब्लॉग बना सकते हैं। तो यहां पे आप अपने ब्राउजर में आ जाइए और यहां पे आपको सर्च करना है google.com। तो चलो हम google.com में आ जाते हैं और ये हम google.com को ओपन कर लेते हैं। तो यहां पे आप गूगल पे आ जाइए और यहां पे आपको सर्च करना है ब्लॉगर। देखो, ब्लॉगर जो है वो गूगल का ही प्रोडक्ट है, तो ब्लॉगर आपको सर्च करना है। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि ब्लॉगर एक तरीके का वेबसाइट ही है जहां पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि आप अपना खुद का ब्लॉग क्रिएट कर पाएं। तो चलो हम blogger.com को ओपन करते हैं। और एक चीज और ध्यान देने वाली चीज है, देखो यदि आप अपना खुद का प्रोफेशनल वेबसाइट बनाने जाएंगे तो वहां पे आपको खुद का डोमेन मिलता है। तो वहां पे जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी जो प्रोफेशनल वेबसाइट होती है वहां पे .com रहता है, .in रहता है, .org रहता है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है .gov रहता है। लेकिन यहां पे आप अपने तरीके का डोमेन जो आप सर्च करना चाहें वो तो कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में .com, .in, .org नहीं रहेगा, .blogspot, .in रहता है। ये थोड़ी सी इसमें कमी है, लेकिन इससे भी कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आती। यदि आपसे अच्छा खासा SEO बनता है, आप अपनी वेबसाइट को अच्छी खासी रैंक कर जाएंगे, तो इसके बाद आप blogspot.com को ही बहुत ऊपर तक ले जाएंगे। साथ ही मैं आपको बताऊंगा आगे आने वाले वीडियो में कि आप यदि कोई आपका जो मान लो यदि आप कोई डोमेन नेम लेते हो, जैसे मेरा जो डोमेन नेम है techgkg, या फिर हम ले लेते हैं gauravkumargupta.blogspot.com, ठीक है। तो यदि इसको कोई क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली gauravkumargupta.com में पहुंच जाएगा। तो यहां पे हम ये सारी चीजें कर पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमको यहां पे देखना है कि हम अपना खुद का ब्लॉग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलो हम यहां पे क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करेंगे और यहां पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहां पे एक ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए, जीमेल अकाउंट आपके पास होना चाहिए। तो यहां पे हम इस जीमेल आईडी से यहां पे साइन इन कर लेते हैं और इसके बाद हम पासवर्ड डाल के नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हमको प्रोफाइल सेट करना होगा कि भैया यहाँ पे जब भी हम कोई पोस्ट लिखें तो वहाँ पे क्या नाम आना चाहिए। तो चलो हम डिस्प्ले नेम में अपना ही नाम डाल देते हैं, गौरव कुमार गुप्ता, ठीक है। तो आप भी अपना नाम डाल सकते हैं, बाकी आप जो चाहे यदि आपकी कंपनी है कोई तो उसका नाम यदि डालना चाहें तो वो आप डाल सकते हैं। तो चलो हम गौरव कुमार गुप्ता डाल के कंटिन्यू टू ब्लॉगर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं
यहां पे क्रिएट न्यू ब्लॉग आ गया है। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, इस ये हमारा जो जीमेल आईडी है यहां पे लॉग इन हो चुका है, हम साइन इन हो चुके हैं। अब यहां पे हम जितने चाहें उतने ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप न्यू ब्लॉग पे यहां पे देखें तो हमारा अभी कोई ब्लॉग यहां पे नहीं है और अभी कोई बहुत सारी सेटिंग भी यहां पे हमको नहीं मिल रही है। तो चलो हम क्रिएट न्यू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं और यहां पे हम ब्लॉग क्रिएट करना शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं कि आप अपने ब्लॉग का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो यहां पे हम अपने ब्लॉग का नाम जो भी आप रखना चाहें, यदि आप अपना खुद का नाम रखना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट का नाम खुद का नाम रखना चाहते हैं तो वो भी रख सकते हैं, या फिर आप अपनी कंपनी का नाम रख सकते हैं, या फिर जो भी आप वेबसाइट जिस तरीके की क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी आपने सोचा होगा वो यहां पे डाल दीजिए। तो मैं यहां पे डाल देता हूं टेक जीके जी। तो यहां पे मैंने टाइटल दे दिया है टेक जी के जी और एड्रेस यहां पे जैसे डोमेन नेम जो होता है जो आपको सर्च करना है वो यहां पे डाल दीजिए। तो यहां पे हम क्लिक करें तो यहां पे ये सर्च करके बता देगा भैया ये किसी ने ले चुका है। क्यों देखो ये जो blogger.com वेबसाइट है ये बहुत पुरानी वेबसाइट है तो यहां पे बहुत सारी चीजें आपको सर्च करनी पड़ेगी, कई बार लोग ले चुके होते हैं। तो चलो हम यहां पे फिलहाल 1 डाल देते हैं techgkg1.blogspot.com। तो ये देखो यहां पे आप देख सकते हैं ये अवेलेबल है। तो देखो यहां पे आप अपना जो भी थीम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहां पे जो सेलेक्ट है मैं उसी को ही सेलेक्ट कर लेता हूं और आगे बढ़ता हूं। तो क्रिएट ब्लॉग पे हम क्लिक करते हैं। आप फिर इसको चेंज भी कर सकते हैं बाद में, तो अभी इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, फिलहाल आपको अभी सीखना है। अब यहां पे आप देख सकते हैं गूगल भी इस समय जो डोमेन नेम है वो बेचना शुरू कर दिया। तो यहां पे आप सर्च भी कर सकते हैं techgkg.international.live techgkg.today, ये आपको मिल जाएगा 1440 पर ईयर। तो यार यहाँ पे हम अभी पैसे बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। यदि हमको जब बर्बाद करना ही होगा, मतलब अच्छे से काम करना ही होगा, तो फिर वहाँ पे हम अपनी खुद की होस्टिंग भी लेंगे। क्योंकि यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि यदि आपका जो वेबसाइट है वो चला गया, क्योंकि सारा जो डेटा होता है वो गूगल ये blogger.com के पास ही होता है, तो सारा का सारा एक रात में भी उड़ जाएगा। इसलिए हम यदि पैसा खर्चा करेंगे ही डोमेन के लिए तो फिर उस टाइम पे हम होस्टिंग भी खरीद लेंगे। तो फिलहाल इसे आप हम कट करते हैं और आप भी यहाँ पे कट कर दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे पैसे लग रहे हैं और इतना पैसा इतने पैसे में मैं आपको बता दूं कि 1000 रुपए में आपको डोमेन नेम और होस्टिंग दोनों मिल जाएगी। तो यहां पे ये 1400-1500 रुपए सिर्फ डोमेन नेम का ले रहा है, वो भी हमारे मन का डोमेन यहां पे नहीं दे रहा है। ठीक है, तो इसे हम कट करते हैं। अब देखिए यहां पे टेक जी के जी एक ब्लॉग क्रिएट हो चुका है। तो यदि हम अपना ब्लॉग देखना चाहें तो व्यू ब्लॉग पे हम क्लिक करेंगे, techgkg1.blogspot.com हमारा जो वेबसाइट है वो बन चुका है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हमने कुछ अभी लिखा नहीं है, कुछ किया नहीं है, तो इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। चलो हम आगे और आपको चीजें दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद काफी आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब देख सकते हो यहाँ पे कुछ अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, इसे हम कट कर देते हैं। अब यहां पे आप देख सकते हैं जो हमने टाइटल दिया था अपनी वेबसाइट का, अपने ब्लॉग का, तो ये भी आप यहां पे चेंज कर सकते हैं। साथ ही डिस्क्रिप्शन यहां पे आप यदि कुछ डालना चाहते हैं वो यहां पे कर सकते हैं। साथ ही यहां पे आप प्राइवेसी में कुछ चेंज कर सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहां पे आप अपना डोमेन नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारा जो अभी डोमेन नेम है, जो हमारा यूआरएल है, वो है techgkg1.blogspot.com। तो यहां से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। और यदि आप कोई डोमेन नेम खरीद के चेंज करना चाहते हैं वो भी यहां पे कर सकते हैं। यदि आप डोमेन नेम खरीदेंगे तो वहां पे आप अपने हिसाब से .com पा जाएंगे, .in, .org, जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद आप अपनी वेबसाइट को HTTPS में रिडायरेक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते तो वो यहां पे देख सकते हैं। इसके बाद यहां पे आप एडमिन भी चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही यदि आपके पास कई सारे लोग हैं, जैसे आप हो, आपका भाई है, आपके ब्रदर है कोई, तो उनको भी यदि आप चेंज करना, मतलब कि ऑथर के रूप में वहां पे आप ऐड करना चाहते हैं, जैसे मान लो आप कोई पोस्ट लिखते हो, फिर आपका भाई कोई पोस्ट लिखता है, तो वहां पे उस पोस्ट में दिख जाएगा कि इसका ऑथर आप हो, इसके ऑथर ये हैं, तो ये सारी चीजें दिख जाएगी। तो यहां पे आप ऑथर भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहां पे पोस्ट कमेंट ये भी देख सकते हैं। तो फिलहाल हम थोड़ी सी आपको थीम में लेके चलते हैं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पे आप थीम कैसे चेंजेस कर सकते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं काफी सारे थीम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल अभी हमारी वेबसाइट में जो थीम है ये बहुत ही खराब सा दिख रहा है, तो यहां पे हम कुछ थीम दूसरा चेंज करके देखते हैं। तो यहां पे आपको बहुत सारी लिस्ट दिख रही है, आप उस तरीके से थीम यहां पे चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमको ये थीम चाहिए तो इसको हम क्लिक करते हैं और अप्लाई टू ब्लॉग पे क्लिक करते हैं, तो ये जो हमारा थीम है ये यहां पे चेंज हो जाएगा। अभी यहां पे थीम अप्लाइड हो चुका है। यदि हम यहां पे जाएं और इसको रिफ्रेश करें तो ये जो हमारा थीम है वो चेंज हो चुका होगा, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। और बहुत ही मतलब कि सिंपल तरीके से यहां पे चेंज हो जाता है, बहुत आपको कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो जैसे आप यहां पे आप कोई दूसरा
यदि करना चाहें, जैसे मैं मान लो इसको करना चाहता हूं, तो इसको क्लिक किया और अप्लाई टू ब्लॉग करूंगा, अब ये लोडिंग हो रहा है, ये थीम अप्लाइड हो गया है। अब यदि आप इसे रिफ्रेश करेंगे तो आपका जो थीम है वो बस चुटकियों में बदल चुका होगा। तो चलो हम यहां पे बात करते हैं कि आप अपना खुद का पोस्ट कैसे बना सकते हैं। तो सबसे ऊपर आप जाइए और यहां पे आप देख सकते हैं आप पोस्ट, यहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहां पे न्यू पोस्ट पे हम क्लिक करते हैं और यहां पे कोई एक पोस्ट लिखते हैं। तो जैसे कि आप देखे होंगे यदि आप कोई वेबसाइट में जाते हैं, यदि आपकी कोई प्रोफेशनल वेबसाइट है वहां पर आपको कोडिंग करनी पड़ती है, लेकिन यहां पर बहुत सिंपल तरीके से आपको यहां पर लिखना पड़ता है, करना पड़ता है। तो यहां पर यदि मैं लिखने बैठूंगा तो यहां पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैंने एक वेबसाइट ओपन करके रखी है, तो यहां पर जो भी आपको अपने पोस्ट का टाइटल देना है वो भी आप यहां पर लिख सकते हैं। तो जैसे यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट टाइटल यहां पर आप लिख दीजिए। देखो आपको किसी का कॉपी नहीं करना है, ये चीज आपको याद रखना है। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहां पे कॉपी कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। तो आपको जो भी आप लिखना चाहते हैं वो चीज आपको लिखनी है। और एक चीज मैं आपको और यहां पे अभी दिखाने वाला हूं। तो यहां पे देखो जो भी चीज आपको लिखनी है वो यहां पे लिख दीजिए। इसके बाद यहां पे आप काफी सारी चीजें देख सकते हैं। यदि आपसे HTML की कोडिंग आती है तो HTML कोडिंग के जरिए भी यहां पे आप काफी सारी चीजें लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देखो आपको काफी सारे चीजें मिल जाती है, यदि आप लिंक लगाना चाहें और बहुत सारी चीजें करना चाहें तो वो कर सकते हैं। साथ ही हम देखो एक वीडियो भी यहाँ पे इम्बेड कर देते हैं। तो इसको हम यहाँ पे ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद यदि आप शेयर बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे इसका इम्बेड कोड देखने को आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे इम्बेड कोड पे हम क्लिक करते हैं। तो ये भैया यहाँ पे हमको इसे कंट्रोल सी से कॉपी कर लेते हैं, वैसे यहाँ पे कॉपी का बटन भी दिया हुआ है, इसे कॉपी हम कर लेते हैं। और यदि आप यहाँ पे आए तो HTML कोड पे आप क्लिक करें और यहाँ पे आपको एक इंटर क्लिक करना है और कंट्रोल भी से पेस्ट कर देते हैं। तो यदि आप कंपोज पे जाएं तो ये जो आप देख सकते हैं जो वीडियो है यहाँ पे इम्बेड हो चुकी है। तो इस तरीके से आप पोस्ट कर सकते हैं। और चलो हम इसको पब्लिश कर देते हैं। यहां पे जो सेटिंग है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि यदि मैं इसे आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहां पे बताने बैठूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन आने वाले वीडियो में मैं आपको और अच्छी अच्छी चीजें यहां पे ब्लॉगर के बारे में यदि आप चाहेंगे तो कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर सिखाऊंगा। ठीक है, तो यहां पे अब चलो हम अपने ब्लॉग में चलते हैं और इसे यदि रिफ्रेश करें तो जो हमने पोस्ट करा है वो यहां पे आ जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं जो मैंने पोस्ट किया था वो पोस्ट यहां पे आ चुका है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। इसके बाद चलो एक चीज मैं आपको और दिखाता हूं। यदि आप देखो ये जो थीम है ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा है, तो आपको कुछ अच्छा थीम चाहिए तो आप यहां पे जाइए गूगल पे जाइए और सर्च करिए फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट्स, और ये हमारे पास काफी सारी वेबसाइट आ गई है। देखो कई बार आपको यदि सर्च करेंगे तो फ्री नहीं भी मिलेगा, तो आपको सर्च कर लेना है अच्छे तरीके से, आप ढूंढ लीजिए और जो भी आपको अच्छा लगे। तो यहां देखो फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट, हम इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करने के बाद यहां पे हमको काफी सारे जो ब्लॉगर के टेम्पलेट हैं वो हमको देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पे हम जो भी आपको पसंद आए उस तरीके से आप यहां पे ढूंढ लीजिए। चलो हम इसको ले लेते हैं और इसको क्लिक करते हैं। इसको क्लिक करने के बाद इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहां पे हम नीचे चलते हैं और शायद यहां पे डाउनलोड का ऑप्शन दिखा होगा और यहां पे हम डाउनलोड कर लेते हैं इसको। चलो हम चलते हैं, देखते हैं ये कहां पे डाउनलोड हुआ है। तो डाउनलोड पे हम क्लिक करते हैं और यहां पे आप देख सकते हैं कि एक जिप फाइल डाउनलोड हुई होगी। तो यहां पे आप देख सकते हैं, अब इसको हम यहां पे यदि आप यहां पे देखें तो आप राइट क्लिक करिए और एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक कर दीजिए। तो आप इसे एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और एक्सट्रैक्ट करने के बाद यहां पे आपको .xml करके एक फाइल आई होगी, उसको आपको अपलोड करना है। तो जैसे कि यहां पे आप देख सकते हैं schema.xml करके एक फाइल हमारे पास यहां पे आ चुकी है। आपको एक फोल्डर में इसे एक्सट्रैक्ट करना है, फिलहाल मैंने यहां पे कर दिया था तो ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हुई। तो चलो हम यहां पे इस फाइल को हमको अपलोड करना है। तो अब हम चलते हैं अपने ब्लॉगर में और यहां पे भैया ब्लॉगर में आ जाते हैं और यहां पे आपको थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद यहां पे आप देख सकते हैं बैकअप एंड रिस्टोर का आपको ऑप्शन मिलेगा, तो यहां पे आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद ब्राउज करना है आपको और वो फाइल जो है XML की फाइल है उसे आपको यहां पे अपलोड करना है। तो यहां पे आप देख सकते हैं यहां पे भैया वो फाइल कहां गई होगी, तो वो हम यहां पे ढूंढ लेते हैं और ये हमको मिल गया schema.xml, इसे हमें अपलोड कर देना है यहां पे। तो चलो हम इसे अपलोड कर देते हैं और अपलोड होने के बाद ये देखो जो फाइल है ये अपलोड हो गई है। अभी हम अपने ब्लॉगर में जाएं और इसे रिफ्रेश करें तो यहां पे ये जो देखो हमारी वेबसाइट है ये बिल्कुल ही चेंज हो गई है एक प्रोफेशनल वेबसाइट की तरीके से। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो मैंने आपको बताया यहां पे देखो ऐड का भी एक ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो एडवर्टीजमेंट लगा सकते हैं और जहां जहां चाहे आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप और भी ढूंढ सकते हैं, वैसे काफी अच्छा टेम्पलेट है ये, तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके की आप टेम्पलेट ढूंढ लीजिए फ्री में और यहां पर आप उसे अपलोड कर सकते हैं। अब यहां पर मैं आपको कुछ और चीजें दिखा देता हूं, तो चलो इसको मैं जल्दी जल्दी कट करता हूं। तो यहां पर आपको देखो एक लेआउट का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आप यहां पर जैसे आप देखे होंगे यहां पे देखो एक ब्लॉगर का यहां पे आइकन दिख रहा है, तो यहां पे आप इसे चेंज कर सकते हैं। एडिट पे यदि आप क्लिक करें तो यहां पे ब्राउज करके आप इसे अपलोड करके सेव कर सकते हैं। इसके बाद और नीचे यदि जाएं तो यहां पे देखो हेडर लोगो जो है तो वो चेंज कर सकते हैं। HT यहां पे आपने देखा होगा 728x90 का यहां पे आप कोड लगा सकते हैं, एडसेंस का कोड लगा सकते हैं, एड लगा सकते हैं तो उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। मोबाइल का लोगो यदि आप यहां पे लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। साथ ही यहां पे देखो काफी सारी चीजें जो यहां पे आप देख सकते हैं
यदि आप नीचे जाएं तो यहाँ पे बहुत सारे सोशल मीडिया के जो लिंक लगे हैं, तो यहाँ पे आप अपना खुद का यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही यदि आप नीचे जाएं तो और बाकी सारी चीजें यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये चीजें मैं समझाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन फिलहाल यदि आप अच्छे तरीके से बैठ के इसे समझेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। साथ ही यहाँ पे देखो पेज यहाँ पे आपको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पेजेस ऊपर यदि जाएं तो होम, फ्यूचर्स, लर्न, ब्लॉगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, तो ये सारे पेज हैं। तो यहाँ पे आप नए पेज क्रिएट कर सकते हैं और इसे अरेंज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे लेआउट में, मैं एक चीज आपको नहीं दिखाया, तो यहाँ पे यदि आप जाएं तो यहाँ पे मेन मेन्यू में आपने देखा होगा, यदि आप इसे एडिट करें तो यहाँ पे जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे जैसे वहां पे है होम, फ्यूचर्स और जितनी भी सारी चीजें हैं, यदि इसे आप ऊपर नीचे करना चाहें तो कर सकते हैं। यदि आप इसका नेम चेंज करना चाहें, जैसे फ्यूचर्स की जगह पे आप अबाउट अस लिखना चाहते हैं, तो यदि आप यहाँ पे एडिट पे क्लिक करें तो इसका नाम आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये फ्यूचर्स लिखा है तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, और इसको कहाँ पे आपको भेजना है तो उस URL का यहां पे आप एड्रेस भी दे सकते हैं। अब सेटिंग्स के अंदर तो मैंने आपको सारी चीजें समझा ही दी है कि क्या कैसे यहां पे करना है। बहुत सारे आपको ऑप्शन यहां पे और मिल जाएंगे, आप इसमें SEO कर सकते हैं तो आपको जो वेबसाइट है काफी ज्यादा रैंक कर जाएगा। तो पेजेस में जो मैं आपको समझा रहा था कि यहां पे जैसे क्योंकि वेबसाइट के अंदर प्रोडक्ट का रिव्यू देते हैं या कुछ ऐसा, तो यहां पे यदि आपको गूगल एडसेंस को वेरीफाई करवाना है तो आपको 4-5 पेज कम से कम होने चाहिए। जैसे होम तो होता ही है, फिर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, तो ये पेज जो बनाना है ये यहीं से आप बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे कमेंट्स भी आप देख सकते हैं। यदि आपका जैसे ये मान लो पोस्ट है, तो चलो हम इस पोस्ट को ओपन करते हैं, और इस पोस्ट को ओपन करने के बाद यहाँ पे कोई यदि कमेंट करता है आपकी पोस्ट में, जैसे यहाँ पे मैं ही एक कमेंट कर देता हूँ, एक छोटा सा लिख देता हूँ नाइस, ठीक है, और इसको यहाँ पे हम कर देते हैं पोस्ट। तो जैसे आप इसे पब्लिश कर देते हैं तो ये जो आपका कमेंट है ये यहाँ पे पोस्ट हो जाएगा, और फिर इस चीज को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अपने। यदि यहाँ पे आए और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश करते हैं कमेंट के अंदर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पोस्ट के अंदर एक कमेंट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं गौरव कुमार गुप्ता, और यहाँ पे इन्होंने नाइस लिखा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे आप रिमूव भी कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इस या स्पैम में भी डाल सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगी। अब यहाँ पे पोस्ट जैसे मैंने आपको समझाई दिया कि यहाँ पे आप पोस्ट डाल सकते हैं, तो न्यू पोस्ट करके आप जितने भी पोस्ट चाहें उतने यहाँ पे कर सकते हैं। अब साथ ही यहाँ पे हम लास्ट में आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आप ब्लॉग में अर्निंग कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे अर्निंग्स पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे अभी आपको क्वालिफाई करना होगा। अभी क्या है, आपको बहुत सारे पोस्ट लिखने पड़ेंगे। आपके पास जब 20-25 पोस्ट हो जाएंगे और लगभग आपके पास ये जो पेज जैसे कि मैंने आपको बताया होम, उटर्स, कॉन्टेक्टर्स, डिस्क्लेमर और प्राइवेसी पॉलिसी, ये 5 पेज यदि आपके पास हो जाएंगे और आपकी पोस्ट लगभग आप 20-25 पोस्ट लिख चुके होंगे, तो यहां पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा साइन अप करने का। तो साइन अप जैसे ही आप करेंगे तो आपका जो गूगल एडसेंस है वहां पे एड शो करना शुरू हो जाएगा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि यहां पे यदि आप लेआउट में जाएं तो यहां पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि कहां पे आप एडसेंस की एड लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे हेडर एड्स है, जैसे कि यदि आप अपने ब्लॉग में जाएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 728x90 का यहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है, तो ये फिलहाल ऐसे ही लगा है। लेकिन यहाँ पे जब आपको गूगल एडसेंस अप्रूव हो जाएगा तो यहाँ पे फिर आप यहाँ पे एड लगा सकते हैं, और साइड बार में चाहें तो यहाँ पे भी आप एडसेंस की एड लगा सकते हैं, जैसे इन्होंने हाइड करके रखा है। तो ये सारी चीजें थी। तो आई होप जो चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई है तो ये आपको समझ गई होगी, और आप अपना खुद का ब्लॉग वेबसाइट क्रिएट कर लो। और यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट करना, और किसी भी चीज में आप यदि आप चाहते हो कि पोस्ट अच्छे तरीके से कैसे लिखें, पोस्ट को रैंक कैसे करें, पेज अच्छे तरीके से कैसे बनाएं, और गूगल एडसेंस के लिए जल्दी से जल्दी कैसे अप्रूवल पाएं, तो वो सारी चीजें यदि आप जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको जरूर रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों आई होप यहां पे मैंने जो आपको ब्लॉग के बारे में नॉलेज दिया है वो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। और यदि आपको कोई भी डाउट है ब्लॉग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपको कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।